वेलकम टू माइंड सूत्रा, ऐसी चैनल जो आपको ड्रीम लाइफ जीने में आपकी मदद करे। आज मैं बात करूंगी कि हम डीपली कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम गहराई से लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से जिंदगी में एट एनी गिवन पॉइंट आपको सिर्फ 5 लोग होते हैं जिनसे आप गहराई से जुड़े होते हैं, जो आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे और आप उनके सुख दुख में आप उनका साथ दोगे। तो इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे डीप कनेक्शंस फॉर्म कर सके इन लोगों से। पहला है बी वल्नरेबल। तो बीइंग वल्नरेबल का मतलब है कि अपने अंदर के गहराई को शेयर करना, आपके जो डीप एम्बिशंस है, जो इच्छाएं हैं, किन चीज़ों से आपको डर लगता है, क्या एम्बेरसिंग चीज़ या शर्मिंदगी वाली चीज़ें कुछ हुई हो, वो शेयर करना, इसे कहते हैं बीइंग वल्नरेबल। तो जब आप ये अपने अंदरूनी चीज़ें, अपना इनर वर्ल्ड आप शेयर करते हैं, आप सामने वाले के मन में भी एक ट्रस्ट का फीलिंग क्रिएट करते हैं, आप एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे वो भी अपने आप को शेयर कर सके, बता सके बिना झिझक के। पर इसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर आप किसी से नए नए मिल रहे हैं तो शुरुआत में ही अपने नेगेटिव चीज़ें नहीं बताएं, जैसे कि आपको किन चीज़ों से डर लगता है या फिर आपके ज़िंदगी में क्या शर्मिंदगी चीज़ें की है आपने या हुई है। आप शुरू करिए पॉजिटिव चीज़ों से, जैसे आपके एम्बिशन क्या है, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स क्या है, जो आप अदरवाइज सबसे शेयर नहीं करते हैं। जब आपको सामने वाले पे ट्रस्ट होने लगे धीरे धीरे, तब आप अपनी अंदर की नेगेटिव चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। इससे बॉन्ड काफ़ी बढ़ता है और सामने वाले को लगता है कि जब ये मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहा है इतनी डीप चीज़ें बताने के लिए, तो मैं भी कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, मैं भी अपने आप को शेयर करूँगा। और जब ये शेयरिंग होती है दोनों की आपस में, तो बॉन्ड काफ़ी डीप हो जाता है। दूसरा पॉइंट है लिसन, मतलब कि सुनना। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम खुद की ही बातें करते हैं, अपने बारे में ही बखान करते रहते हैं। और ये वेल नोन फैक्ट है, ये वेल नोन विजडम है कि जो व्यक्ति अपने बारे में ही ज़्यादातर टाइम बात करता है, वो अंदर से बहुत सेल्फिश है। तो कौन ऐसे पर्सन से, कौन सेल्फिश पर्सन से जुड़ना चाहेगा? तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्वर्सेशन में मैक्सिमम टाइम आप सुने सामने वाले की, आप इंटरेस्ट ले उनकी बातों में। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप इंटरेस्टिंग भी नहीं बनेंगे और आपका लगेगा भी नहीं कि आप केयर कर रहे हैं। जब आप सुनते हैं किसी की, तो ऐसा लगेगा कि आप केयर कर रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है आपके आपके लिए वो मैटर करता है। और इसी से आप अच्छे से जुड़ पाएंगे। आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए बीच बीच में, पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है, अपनी बखान नहीं करनी है, अनलेस से बात करें, आपसे पूछें। तीसरा है रिलेट, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो आपसे रिलेट कर सके। आप सोचिए, मूवी कैरेक्टर्स जो होते हैं, हम क्यों इतने पसंद करते हैं कुछ कुछ मूवी कैरेक्टर्स को? क्योंकि हम अपने आप को उन कैरेक्टर्स में देख सकते हैं, हम जुड़ जाते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं उन कैरेक्टर से, इसीलिए हमें वो याद भी रह जाते हैं और हमें पसंद भी आते हैं। सालों तक आप उन कैरेक्टर्स को याद रखते हैं और रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह रिलेशन में भी जब आप रिलेट कर पाओ सामने वाले से कि हाँ भाई, ये भी मेरे जैसा है, तो आपका कनेक्शन काफ़ी डीप होगा। तो आप अपने आप को कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप जानने वाला आपको कोई स्टोरी बता रहा है अपने बारे में कि कैसे, सपोज उसने पब्लिक स्पीकिंग की और उसका सबने मजाक उड़ाया, वो इस तरह की बातें शेयर कर रहा है आपसे, तो आप भी अपने जीवन का कोई असली इंसिडेंट, बनाई हुई नहीं स्टोरी, असली इंसिडेंट आप बताइए जहाँ पर आपने भी ऐसी ही सिचुएशन फेस की। तो वो सामने वाले को कॉन्फिडेंस आएगा कि ये भी उनके जैसा ही है, अपने जैसा ही है, तो वो आपको ज़्यादा पसंद करेगा, आपसे ज़्यादा रिलेटेड फील करेगा और आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करेगा। बट ध्यान रखिए, स्टोरी बनाई भी नहीं होनी चाहिए, आपके ज़िंदगी की असली स्टोरी बताइए। चौथा पॉइंट है बी ऑथेंटिक, मतलब कि ओरिजिनल रही है। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि आप मन से कोई स्टोरी नहीं बनाई है पॉपुलर होने के लिए या गुड बुक्स में आने के लिए सामने वाले के लिए, क्योंकि अगर वो असलियत आ ही जाती है सामने, आप एक दो बार किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब असलियत आ जाती है बाहर, तो वो व्यक्ति कभी भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा अगेन। कनेक्ट होना तो दूर की बात, वो शायद आपसे बात करना भी पसंद नहीं करे। तो बी ऑथेंटिक, लोगों को ओरिजिनल, जेन्युइन और रियल लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, ना कि फेक और बड़ी बड़ी बखान करने वाले लोग। तो आप ओरिजिनल रहिए, रियल रहिए और ऑथेंटिक रहिए।
पांचवा पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने कहा कि सुनना तो जरूरी है ही, साथ में इंटरेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है सामने वाले के कॉन्वर्सेशन में। तो आप इंटरेस्टेड रहिए, तभी आप कनेक्ट डीपली कर पाएंगे। आप रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप केयर कर रहे हैं सामने वाले की, स्टोरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि आपका ध्यान इधर उधर जा रहा हो। तो क्वेश्चंस पूछना एक और साइन है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपने स्टोरी समझी है और उसी में आपको एक क्वेश्चन भी आया है। छठा पॉइंट है ट्रस्ट बिल्ड करिए। अगर सामने वाले ने अपने अंदर की बहुत गहरी बातें आपको बताई है, तो इन्फॉर्मेशन का मिसयूज मत करिए, क्योंकि सामने वाले ने आपको ट्रस्ट करके आपसे कनेक्ट होने के लिए चीज़ें बताई है, तो उस चीज़ को उसी के अगेंस्ट कभी भी यूज़ नहीं करना, ना किसी और को बताना। इससे क्या होगा कि ना वो आप, अगर आपने ऐसा करा तो वो ट्रस्ट तो खो ही देगा, वो शायद इमोशनली स्कार हो जाए, उसके दिमाग पे बहुत असर पड़े और वो जीवन में किसी को भी ट्रस्ट ना करे। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे वो, उनको इमोशनल ट्रॉमा हुआ है क्योंकि उन्होंने जो बताया वो सामने वाले ने शेयर कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रस्ट बिल्ड करें और उसे मेंटेन करके रखें। आखिरी पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका बॉडी लैंग्वेज दिखना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हैं उनसे कनेक्ट होने में। अगर आप बात करते समय आधे टाइम फ़ोन देख रहे हैं, उंगलियों से खेल रहे हैं, या फिर बालों में उंगलियां घुमा रहे हैं, या इधर उधर देख रहे हैं, तो वो ये दिखाएगा कि सामने वाले को कि आप इंटरेस्टेड नहीं है कॉन्वर्सेशन में, तो कनेक्शन हो नहीं पाएगा। आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं उनको, बट आपके एक्शंस कुछ और दिखा रहे हैं, वहीं पर वो आदमी ट्रस्ट नहीं करेगा आप पर कभी भी। तो कैसे लगे आपको मेरे साथ इजी पॉइंट्स? किसी से भी डीपली कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिक रहें, ट्रस्ट बिल्ड करें, और जो छोटे मोटे और पॉइंटर्स हैं उनका ध्यान रखें। तो होपफुली इन पॉइंट से आपको वो पांच लोग मिल जाएंगे जिनसे आप डीपली कनेक्टेड रहेंगे जिंदगी भर। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए mindsutra.in पर, जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें फ्री में मिलती रहेंगी, इसी तरह की इंस्पायरिंग चीज़ें आपको मिलती रहेंगी।